सोच रही हो कि बहन होते हुए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन तुमने भी तो अपनी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश की। याद आया कुछ? तुम्हारे लिए पता है, वरना मम्मी पापा तो छुट्टियों में कहीं और जाने का प्लान कर रहे थे। मैंने जिद की कि मुझे दीदी के घर जाना है, जस्ट फॉर यू। अब और सबर नहीं होता जान, जल्दी से दीदी से छुटकारा पाओ सो दैट मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकूं। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लो। और रही बात तुम्हारे जीजू की, तो उसकी नीचता के बारे में तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन जो उसने लक्ष्मी के साथ किया उससे तो उसने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी। गले का हार चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन अगर वही हार गले को चुभने लग जाए तो उसे उतार के फेंक देना चाहिए, चाहे वो मेरा पति ही है। लेकिन ऐसे नीच और घटिया पति से तो मैं विधवा ही अच्छी हूं। मेरे साथ किए धोखे और लक्ष्मी के साथ की घटिया हरकत की वजह से मैंने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। अरे मैंने घड़ी कहां रख दी? कहां गई घड़ी मेरी? अरे क्या हुआ यार, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, पता नहीं कहां रख दी। अरे तुम बैठी बैठी क्या कर रही हो, मेरे साथ ढूंढो। अरे तुम चीजें रख के भूल जाते हो, यहीं कहीं होगी। मैंने सभी जगह ढूंढ ली, कहीं नहीं मिल रही। अरे इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, नहीं ले लेना। नहीं ले लेना, चलो। और उसके लिए मुझे एक मोहरा चाहिए था, और वो मोहरा बनी तुम। और उस दिन मेरे पति जब तुम्हें छोड़ने के लिए निकले तो हम दोनों भी पीछे पीछे निकल पड़े। हमने देखा कि तुम वहां पे अकेली खड़ी बस का वेट कर रही थी, और मौका पाते ही हमने पीछे से वार कर दिया, और जैसे ही तुम बेहोश हो गई हम तुम्हें घसीटकर एक सुनसान जगह पर ले गए। हमने तुम्हारी चुनरी उतार कर उसमें तुम्हारा खून लगा दिया और उसे वहीं फेंक दिया। साथ में तुम्हारी चेन
और हजारा की घड़ी भी रख दी, ताकि जब लोग ये चीज देखें तो सीधा शक मेरे पति पर जाए। और ऐसा ही हुआ। जरूरी नहीं कि गलत काम करने वाला ही हरामी होता है, कभी कभी सही के लिए भी हरामी बनना पड़ता है।